गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। आज हमारा टॉपिक आपका यूनिट थर्ड का पार्ट ई है। इसमें है आपका जो भी मीट वगैरह है, फिश, पोल्ट्री एंड एग्स, इससे रिलेटेड ये आपकी यूनिट है। तो इसमें इनके वैल्यू के बारे में और इन सब के बारे में कि मीट क्या होता है, कैसा आपको मीट अगर आप सेवन करते हैं तो किस प्रकार का मीट आपको मांस जिसे हम बोलते हैं खाना चाहिए, या क्या क्या प्रिकॉशंस इसमें जो मीट है हमारा उसको ग्रहण करते समय या उसको कंज्यूम करते समय हमें रखने चाहिए। तो आपका इसके बारे में पढ़ते हैं थोड़ा। तो आपका इसमें आपका जो एनिमल फूड है उसमें सबसे पहले है आपका मीट। तो सभ्यता से पूर्व जब मानव जंगलों में रहता था तब वह अपनी भूख मिटाने के लिए तो पक्षियों व जानवरों का मांस खाता था। तब उसे इतना ज्ञान नहीं था कि मांस को पकाकर भी खाया जाता है। आपने जब कभी पहले 10th 12th क्लास में अगर हिस्ट्री पढ़ी है तो उसमें भी इन बातों का जिक्र किया गया है। जो पहले इंसान था जो है उस समय पर जब मानव जो है जंगलों में रहता था तब उसे इतना जो है ज्ञान नहीं था या उसे पता नहीं था कि मांस को हम जो है कच्चा ना खा के इसको पका के भी हम खा सकते हैं। वह भूख मिटाने के लिए वो क्या करता था, उस समय पर जानवरों को मारता था और कच्चा ही उसके मांस का वह सेवन कर लेता था। वह जंगलों में जानवरों पक्षियों का शिकार करता था और मांस को कच्चा खाता था। अतः मांस का प्रयोग भोज्य पदार्थों के रूप में आज से ही नहीं अपितु सदियों से चला आ रहा है। मीन्स ये नहीं है कि हमें आज ही पता लगा है कि मांस को हम खा भी सकते हैं और उसमें पर्याप्त मात्रा में प्रोटीन्स, कार्बोहाइड्रेट और विटामिन्स जो है मिलते हैं, बल्कि पहले जो है मांस का प्रयोग सदियों से चलता आ रहा, लेकिन उस समय पर उन लोगों को पता नहीं था कि मांस खाने के क्या क्या फ़ायदे हैं। बस उस समय पे क्या था, वो लोग शौकिया और स्वाद के लिए उसको खाते थे। मांस किसी भी पशु या पक्षी के शरीर का वह मांसल भाग होता है जो भोजन के रूप में प्रयुक्त किया जाता है। मांस क्या होता है, कोई भी पशु या पक्षी मीन्स जो मांस होता है बोन को छोड़कर या हमारी हड्डियों को छोड़कर जो ऊपर हमारे भाग रहता है उसे हम मांसल बोलते हैं। वो क्या होता है, खाने योग्य होता है और उसे हम अपने भोजन में प्रयुक्त कर सकते हैं खाने के लिए। भोज्य पदार्थ के रूप में मांस के अंतर्गत आपके पेशियां, अस्थियां तथा वस्य तंतु भी आते हैं। बहुत से लोग क्या होते हैं कि उसके अंतर्गत जो मसल्स हैं, अस्थियां हैं आपकी, जो बोन्स हैं और तंतु जो उत्तक होते हैं ये भी खाते हैं। मांस प्रोटीन जो प्राप्ति के उत्कृष्ट साधन है। मांस जो है क्या है, मांस से हमें भरपूर मात्रा में प्रोटीन मिलता है। इससे पहले आपने पढ़ा भी होगा, जब प्रोटीन आपका चैप्टर चल रहा था उसमें बताया था कि मांस जो है इसमें पूरे के पूरे अमीनो एसिड, 10 अमीनो एसिड इसमें विद्यमान रहते हैं, इसलिए इसे क्या कहते हैं, प्रोटीन रिच सोर्स कहते हैं। और इसका जैविक मूल्य जो होता है, आपका बायोलॉजिकल वैल्यू भी बहुत अधिक होता है। अतः यह शरीर में वृद्धि एवं विकास की दृष्टि से श्रेष्ठ है। जब इसका प्रोटीन लेवल अच्छा रहेगा तो ऑब्वियस ही बात है कि इसमें शारीरिक वृद्धि भी अच्छी होगी और हमारी ग्रोथ भी अच्छी होगी। इसमें 15-20% प्रोटीन पाई जाती है। मांस में भारत का प्रचलन बहुत कम है क्योंकि यहाँ की अधिकांश जनता धार्मिक प्रकृति तथा शाकाहारी है। मांस जो है हमारे, आपने पता होगा हमारे भारत में, हमारे हिंदुस्तान में सभी लोग नहीं खाते हैं, कुछ लोग ही खाते हैं, कुछ लोग शौकिया खाते हैं और कुछ लोगों के यहाँ खाया भी जाता है। जैसे हमारे जो जाति हैं, प्रजाति हैं, उनमें अलग अलग जो है धर्म माने जाते हैं। तो हिंदू संस्कृति में मांस जो है नाक के बराबर ही रहता है, सभी लोग नहीं खाते हैं। और वो इसलिए क्योंकि वो लोग क्या है, जो थोड़े धार्मिक प्रकृति के होते हैं और शाकाहारी होते हैं इसलिए। इसके अतिरिक्त मांस, मछली, अंडा न खाने के अन्य कारण भी होते हैं। जैसे आपका फर्स्ट है, यहाँ की अधिकांश जनता गरीब है, उसे दोनों समय भरपेट दाल रोटी ही मिल जाए वही बहुत उनकी खुश नसीबी है। मीन्स आपको पता है कि जो इंडिया है वो एक जो है वहाँ पे गरीब लोग जो है ज़्यादा हैं कंपेयर टू जो है आपके रिच फैमिली, जो है पुअर लोग आपके ज़्यादा हैं इंडियन सोसाइटी में। उसे दोनों समय का खाना ही बहुत मिल जाए क्योंकि जो आपका बैकवर्ड एरिया के लोग होते हैं वो मज़दूर वहाँ पे ज़्यादा रहते हैं, मज़दूर पाए जाते हैं। तो उनके लिए तो अगर ये है कि दाल रोटी ही मिल जाए उन्हें एक टाइम की या दोनों टाइम की भर पेट, उनके लिए वो ही बहुत अच्छी खुशनसीबी मानते हैं, उसी में वह खुश रहते हैं। सेकंड है आपका मांस महंगा होता है जिसे कुछ सीमित आय वर्ग के लोग ही खरीद कर खा सकते हैं। जो मांस होता है वह आपका सब्जी दाल रोटी की अपेक्षा ज़्यादा महंगा होता है जिसे जो सीमित वर्ग के लोग ही हैं, जो आयरिश फैमिली हैं, वो ही
ज़्यादातर खा सकते हैं। निम्न आर्थिक वर्ग के लोग चाहकर भी नहीं खा सकते। जो निम्न है आर्थिक वर्ग, जो नीचे बैकग्राउंड होता है आपका, जो है सेडेंट्री वर्कर या मॉडरेंट्री वर्कर है आपके, वो नहीं खा सकते हैं इनको ज़्यादा। थर्ड पार्ट है आपका, अधिकांश भारतीय शाकाहारी हैं अतः वह मांस खाना पसंद नहीं करते हैं। जो अधिकांश भारतीय हैं वह शाकाहारी हैं, वेजिटेरियन हैं और वह मांस खाना पसंद नहीं करते हैं क्योंकि उन्होंने या तो कभी खाया नहीं है या खाने से वह डरते हैं या फिर उनका हिचकिचाते हैं। फोर्थ है आपका, पशु एवं पक्षियों की संख्या यहाँ हिंदुस्तान में हमारे कम पाई जाती है। फिफ्थ है आपका, लोग घरों पर मांस खाने की दृष्टि से पशु पक्षी का पालन नहीं करते। उपरोक्त कारणों से भारत के प्रति व्यक्ति मांस का प्रयोग अत्यंत कम होता है। कुछ समृद्ध लोग ही इसका सेवन कर पाते हैं। मीन्स लोग अगर घरों में, हिंदुस्तान में, आपके इंडिया में अगर लोग जो है पशु पक्षी पालते भी हैं तो उनका जो मोटो होता है ये नहीं कि उसको पाल लें तो उसको मार के खा जाएं, बल्कि उसे अगर हम गाय भैंस पालते हैं तो हम उसका दूध पीना प्रेफर करेंगे कंपेयर टू जो है उस जो पशु आपका गाय भैंस है उनके मांस खाने से। फिर है आपका इसमें मांस की संरचना, मांसपेशियां मसल्स से बना होता है। मांस जो है हमारा जो हमारा मांस है वो किससे बना होता है, मसल्स से बना होता है। यदि पेशियों की लंबवत काट को सूक्ष्मदर्शी या माइक्रोस्कोप से देखा जाए तो पता चलता है कि पेशियों में अनेक पेशी तंतु दिखाई पड़ते हैं। मीन्स अगर हम मसल्स जो होते हैं, हमारी पेशी होती है वो किस फॉर्म में होती हैं, लंबी लंबी आकृति की होती हैं, अगर हम उसे काट के देखेंगे तो वह दिखाई देंगी। किस किसके माध्यम से, सूक्ष्मदर्शी या फिर माइक्रोस्कोप के माध्यम से देखा जाए तो पता लगेगा जो पेशिये हैं उनके भी उसमें अनेक पेशी तंतु, मीन्स यहाँ पे जो है एक पेशी में उसके अनेक पेशी तंतु दिखाई पड़ेंगे। इस तरह एक पेशी में अनेक तंतु रहते हैं, मीन्स एक जो अगर पेशी होगी उसमें पता नहीं कितने हजारों की मात्रा में, सैकड़ों की मात्रा में तंतु पाए जाते हैं, मीन्स टिश्यूज पाए जाते हैं। इन तंतुओं की लंबाई कितनी रहती है, 2 सेंटीमीटर होती है। यह तंतु भी सूक्ष्म तंतु फाइब्रोसिस के बने होते हैं। ये तंतु किसके बने होते हैं, फाइब्रस मीन्स जो फाइबर होता है उसके बने होते हैं जिसमें एक केंद्रक होता है। यह तंत्र मांसवरण सेरकोलिमेना द्वारा आच्छादित रहता है। पेशी तंतु के भीतर कोशिका द्रव्य पाया जाता है, मीन्स जो पेशी तंतु होता है उसके अंदर क्या पाया जाता है, एक कोशिका द्रव्य पाया जाता है आपका, और जिसे क्या कहते हैं हम, साइकोप्लाज्म कहते हैं। फिर है आपका इसमें ये एक तालिका है मांस की, अलग अलग मांस है उसके, मटन है, पोर्क है, यकृत है, यकृत जो है बकरी का है इसमें, और उसके बारे में बताया गया है कि यहाँ पे जो मटन है कैलोरी है वो कितनी है होती है, और पोर्क जो है प्रोटीन उसमें कितना होता है, वसा कितनी है, सब चीज़ का अलग अलग इसमें वर्णन किया गया है। तो ये आप अपनी जो नोटबुक है इसमें नोट कर लीजिएगा। फिर है आपका मांस का निरीक्षण, वध के बाद मांस का निरीक्षण भी आवश्यक है। जनता में मांस का उपयोग होने के कारण नगर पालिका की ओर से स्वास्थ्य निरीक्षक द्वारा मांस का निरीक्षण करवाना चाहिए। हमारे देश में मांस अधिक समय तक उत्तम नहीं रहता है, विशेषकर गर्मी और वर्षा में इसकी रक्षा करनी चाहिए। मीन्स जो मांस हम लोग, मीट जो हम लोग खाते हैं उसके निरीक्षण करने वाले भी लोग रहते हैं, जॉब करते हैं अपनी कहाँ पे, नगर पालिका में जॉब करी जाती है इसकी, और इसका मांस का निरीक्षण भी होता है, चेकिंग होती है कि जो मांस जो है बाज़ार में बिक रहा है वह ख़राब तो नहीं है या इन्फेक्टेड तो नहीं है, किसी भी बीमारी से ग्रसित तो नहीं है वह जानवर। और विशेषकर क्या है हमारे इसमें, जो हमारे जो वेदर है, जो मोस्टली आपका जो गर्मी का टाइम है और वर्षा का टाइम है, उस टाइम पर इनकी रक्षा करनी चाहिए। फिर है आपका नेक्स्ट हेडिंग है उत्तम मांस की पहचान, जो अच्छा मांस होता है उसकी क्या पहचान है। उत्तम मांस कुछ कड़ा होता है, मीन्स जो उत्तम मांस होगा वो थोड़ा हार्ड होगा, उसका रंग हल्का होता है, वह देखने में चमकीला होता है पर छूने से पानी या रक्त नहीं लगता है। मीन्स आपने देखा होगा जो मांस होता है, आप कभी देखा हो तो उसका जब टुकड़ा लेंगे तो वो रेड कलर का होगा, हल्का रेड, वो देखने में ऐसा लगेगा जैसे गीला है लेकिन वो उसकी शाइनिंग की वजह से रहता है, और छूने पर क्या होगा उसमें पानी या रक्त नहीं लगता है।
यदि रंग पीला हो तो पशु को रोगी समझ, अगर मांस का कलर का पीला है तो क्या होता है जो आपका ये है जो मांस है वो क्या है, या पशु है जिसका वो मांस है वो क्या है, रोगी उसको समझना चाहिए। और उत्तम मांस में एक विशेष प्रकार की गंध होती है पर उसमें दुर्गंध नहीं आनी चाहिए। जो उत्तम मांस है उसमें एक विशेष प्रकार की गंध होगी, लेकिन जो सड़ा हुआ मांस होगा उसमें गंदी दुर्गंध आएगी। सड़े मांस में अगर चाकू घुसा कर निकाल लिया जाए और देखा जाए और चाकू में से दुर्गंध निकले तो मांस को सड़ा समझना चाहिए। मीन सड़े मांस की क्या पहचान है, सड़े मीट की जो खराब इन्फेक्टेड मीट है उसकी क्या पहचान है, जो अगर हम उसमें अगर चाकू घुसा कर देखेंगे तो क्या होगा, उसमें से चाकू में से दुर्गंध आएगी। तो और हमें मांस को कैसा समझना चाहिए, सड़ा हुआ समझना चाहिए। सड़े मांस जो है खींचने में टूटने लगता है, ताज़ा मांस इस प्रकार से नहीं टूटता है। फिर है आपका मांस से उत्पन्न होने वाले रोग। फर्स्ट है आपका सड़े मांस के सेवन से मितली, वमन, पेट दर्द, प्रवाहिका, पित्ती, चर्म में लाल चकत्ते तक निकलना और ज्वर होता है। जो अगर हम सड़ा मांस खा लेंगे, इन्फेक्टेड मांस खाएंगे तो क्या होगा, हमें वॉमिटिंग होगी, मितली कभी-कभी छूटेगी, पेट में दर्द होगा, लूज मोशन भी लग सकते हैं, पित्ती भी उछल सकती है, चर्म रोग में क्या हमारी बॉडी पे जो है लाल लाल चकत्ते हो जाए और बुखार भी हो सकता है। यदि पशु ने जहरीला पौधा इत्यादि खाया हो तो उस मांस को खाने से जो है मनुष्य की मृत्यु भी हो सकती है। जीवाणु का संक्रमित मांस खाने से अनेक रोग हो जाते हैं। जो जीवाणु होता है उसका संक्रमित मांस खाने से क्या होगा, अनेक रोग हो जाएंगे। आहार में मांस का महत्व क्या होता है, इतने उत्तम प्रकार की प्रोटीन पाई जाती है, प्रेषित प्रोटीन दूध और अंडे के प्रोटीन के समान गुणकारी है। इतने इसमें जो क्या है, यहाँ पे उत्तम प्रकार की मीन्स बहुत अच्छी प्रोटीन पाई जाती है, पेशीय प्रोटीन दूध और अंडे के प्रोटीन के समान ही गुणकारी है। जो पेशीय प्रोटीन है वो दूध और अंडे के समान, दोनों के समान ही गुणकारी है। मांस लोहे और फॉस्फोरस का उत्तम स्रोत है, मीन्स मांस में जो है लोहे यहाँ से आयरन से मतलब है और फॉस्फोरस रिच रहता है। थर्ड है आपका मांस थायमिन, राइबोफ्लेविन, नियासिन और विटामिन B12 भी उसमें भरपूर मात्रा में, प्रचुर मात्रा में जो है प्रेजेंट रहते हैं। फोर्थ है आपका यकृत से लोहा और तांबा भी मिलता है। आपका फिफ्थ पॉइंट है यकृत से जो है विटामिन ए भी मिलता है। सिक्स पॉइंट है ताजे यकृत से कुछ विटामिन सी भी रहता है। यकृत से मतलब यहाँ पे लीवर से है, बहुत से लोग जो है बहुत से जानवरों का जो है लीवर का उपयोग करते हैं अपने खाने में, तो ये उसके बारे में है। जो लोग शाकाहारी हैं वे मांस की उपस्थिति पोषक तत्वों की पूर्ति दूध, दही व पनीर आदि प्राणिज्य भोज्य पदार्थों से कर सकते हैं। सोयाबीन का प्रोटीन बहुत कुछ मांस के प्रोटीन के समान गुणकारी होता है। नट, सूखे मेवे, दाल, मटर, लोबिया आदि के सूखे बीजों का प्रयोग दूध दही के साथ करने से इनकी प्रोटीन मांस के प्रोटीन के समान हमें पौष्टिकता प्रदान करता है। मीन जो लोग शाकाहारी हैं वो जो इसकी आपके प्रोटीन की जो पोषक तत्वों की पूर्ति है वो किससे करते हैं, दूध दही व पनीर से करते हैं। और जो सोयाबीन का प्रोटीन होता है वो क्या होता है, जो मांस के प्रोटीन के समान ही गुणकारी मीन्स अच्छा होता है, न्यूट्रिटिव होता है। नट्स जो होते हैं जैसे आपका सूखे मेवे हो गए, दाल, मटर, लोबिया आदि के जो सूखे बीज होते हैं, अगर इनको हम दूध या दही के साथ सेवन करें तो इनकी पौष्टिकता कितनी बढ़ जाएगी, उतनी ही बढ़ जाएगी जितना कि मांस के प्रोटीन में पौष्टिकता पाई जाती है। ओके गर्ल्स, तो आई होप आपको ये टॉपिक समझ में आया होगा। अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम है, कोई भी दिक्कत है तो आप मेरे से जूम मीटिंग में डिस्कस कर सकते हैं। ओके गर्ल्स, थैंक यू, टेक केयर, बाय बाय।